बनाते क्या गर्मी वर्मी सभी आ रही है। प्राइवेट लगता है वो कंपनी खुद नहीं देती है, इसलिए कोई रिक्स नहीं है। और दिमाग में कुछ सोच के सर पैसा नहीं है अपने पास। अरे उसमें खाली 1.25 लाख रुपए। अब तो 200-250 किलोमीटर खाली गाड़ी चलाने में भी कष्ट होता है। कोई भी धंधा करो, बिजनेस करो या जॉब करो, तुम्हारे ड्राइवर भाई का भी नुकसान है। जो सेठ गाड़ी चलवा रहा है उसका, अगर आपके पास 50 रुपए कम है तो नहीं छोड़ेगा। बहुत परफेक्ट बात कही कि सिर्फ चलाना नहीं आना चाहिए। 3-4 साल फिर भी गवा दिया। अभी क्या सैलरी मिल जाती है आपको? अभी जो चुलक होती है वो अपने पास थी ट्रक सीखने की। अगर आरटीओ नहीं माना तो आपने क्या सोर्स लगाया या फिर किसी के साथ गए? होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल होते हैं जो कारों में। और रंजीत भाई से कार भी चलवा के देखने वाले हैं अपन लोग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। टाटा का BS6 ट्रक है, ब्रांड न्यू देखेंगे आप। तो ये है BS6 की बैजिंग, आप देख सकते हैं। मॉडल नंबर देखेंगे आप टाटा का, ये है 4825C। प्रोफाइल दिखाऊं तो आपकी, ये बॉडी कहाँ की बनी हुई है भाई? रंजीत भाई, इंदौर की बॉडी बनी हुई है। इंदौर में भी काफ़ी, इंदौर की बॉडी काफ़ी फेमस और काफ़ी मजबूत होती है वैसे। तो ये बॉडी काफ़ी अच्छी है। और बता दूं मैं आपको कि ये टाटा सिग्ना में भी आता है 4825 बिल्कुल। और ये सी है, मतलब ये काउल बोलते हैं इसको। 6700 CC का इसमें इंजन आता है, 250 HP की पावर और 950 Nm का ये टॉर्क जनरेट करके देता है ट्रक। और जो 47,000 पूरा जो ग्रॉस व्हीकल वेट है इसका, ये है कितना पासिंग है ये रंजीत भाई? 35 टन पासिंग, 35 टन ये पासिंग आता है। और आपको दिखाऊं तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8×2=16 टायर ये ट्रक है। ये इसकी कुछ ऐसी प्रोफाइल है। और इसका एग्जॉस्ट काफ़ी कॉस्टली होता है, 4 से 5 लाख के बीच में ये सिर्फ इसका एग्जॉस्ट आ जाता है। यहाँ पे इसका टूल बॉक्स लगा हुआ है। और ये लिफ्टिंग वाले टायर कौन से, इसमें लिफ्ट एक्सल है ना? ये टायर लिफ्ट एक्सल है इसका। बैटरी इसकी यहीं पे लगी हुई है, बैटरी। अच्छा, बैटरी इसकी यहीं पे दी हुई है ये। और ये इसकी बॉडी काफ़ी लंबी दिख रही है। कितने फिट की बॉडी होगी भाई ये? 32 फिट की बॉडी है ये। ये इसका स्टफनी वाला व्हील है, फटाफट घुमा के दिखा देता हूँ मैं। बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला देखने को आपको मिल जाएगा। और ये इसकी इस टाइप की प्रोफाइल है, MP09 ये नंबर है। और बाकी टायर्स वगैरह सब दिखा चुका हूँ। जो इसका डीजल टैंक है और ये इसका एड ब्लू टैंक है। डीजल टैंक कितना होगा रंजीत भाई इसका? डीजल टैंक 320 लीटर का डीजल टैंक है। ये 35 लीटर कुछ का आता है? नहीं, 60 लीटर का इसका ये टैंक आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर से आपको थोड़ा सा ट्रक दिखा देता हूँ। BS6 ट्रक है, नए अपडेट्स हैं, बहुत से इसमें फीचर्स हैं जो रंजीत भाई अपने को बताएंगे। और रंजीत भाई से कार भी चलवा के देखने वाले हैं अपन लोग। और हम आ जाते हैं और अंदर देखेंगे तो हमारे कमलेश भाई बैठे हुए हैं खाना पीना खा के। गर्मी का टाइम है इसलिए भाई लोग शायद आराम कर रहे हैं। और ये अपन ट्रक में आ गए भाई के। अंदर से कुछ ऐसा ब्लैक कलर का ट्रक है बिल्कुल, जो घर में एकदम सनमाइका का काम होता है ना, वैसा काम इंदौर की बॉडियों में होता है। आप देखेंगे गैस चूल्हा रखा हुआ है, मतलब खाना यहीं बनता है, खुद ही बनाते हैं आप लोग, है ना भाई? बाहर नहीं खाते हैं खाना। ये मैंने अंदर से आपको ट्रक दिखा दिया, जैसे ये पूरा आप देखेंगे ब्लैक कलर का, वहाँ फैन लगा हुआ है। अब ये BS6 है तो इसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं रंजीत भाई, हमें बताएंगे आप? ये गियर 10 है, 10 गियर टोटल आ जाते हैं इसमें, रिवर्स मिला के, है ना? रिवर्स मिला के। और 3 बटन दे दिया है। 3 बटन काहे का? ये प्लेन है। हाँ, है ना, प्लेन रोड पे जब चल रहे हैं तब का है ये, भारी वाली है। हाँ, थोड़ा ज्यादा चढ़ाई आएगी तो ये वाली है। बटन ये मेन चढ़ाई के लिए है, मेन चढ़ाई भी और वजन भी ज्यादा हो ट्रक में तो वो उसके लिए है। और बाकी बटन का कुछ आइडिया है आपको? बटन का आइडिया तो सर नहीं है। बाकी इसमें जैसे वो चीज़, वो वाले सेंसर भी आते हैं, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल। मतलब गाड़ी घाटी से नीचे उतर रही है तो थोड़ी बहुत अपने आप कंट्रोल में उतरती है। और ये बटन दिया है ना सर? कौन सा? ये वाला दिया है ना? और इंजन को कंट्रोल करेगा, इंजन को। और गाड़ी जब ऐसे घाटी पे चढ़ रही हो तो एकदम पीछे नहीं आती गाड़ी, उसमें भी थोड़ा सा टेका लग जाता है। वो सेंसर लगे होते हैं, वो हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल होते हैं जो कारों में आते हैं, जो इसमें भी दे रखे हैं। अच्छा रंजीत भाई, आपको कितना टाइम हो गया इस ड्राइवर लाइन में? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जैसे कि आपने हमें बताया आप इस गाड़ी को चलाते हैं, ड्राइवर हैं आप, है ना? तो आपकी नौकरी कैसे लगी आप, मतलब आपने क्या सोर्स लगाया या फिर किसी के साथ गए? सर अभी तो 4 साल से मैं था, अभी ये साल भर हुआ। नहीं मतलब नौकरी कैसे लगी ड्राइवर लाइन में आपकी, डायरेक्ट लग गई चलाने आ गए या फिर पहले सीखा? सर पहले सीखा उसके बाद ही नौकरी लगी। उसी बाद नौकरी लगी। तो आप जैसे जवान उम्र के इंसान हैं रंजीत भाई, तो आपने कोई और बिजनेस करने का नहीं सोचा या फिर आप ट्रक लाइन में कैसे आ गए? थोड़ा सा कहानी बताइए, जैसे घर से निकले हो ट्रक लाइन तक की जो कहानी है। सर जो चुलक होती है वो अपने पास थी ट्रक सीखने की। अच्छा जी, अच्छा ट्रक सीखने का एक जज्बा था आपके अंदर कि मुझे ट्रक चलाना है, इसलिए आप ट्रक लाइन में आए। वो दूसरा बिजनेस या दूसरी लाइन में आपने जाना पसंद नहीं करा? तो जैसे कि 3-4 साल आपने ट्रक लाइन में दे दिए,
तो 3-4 साल का क्या तजुर्बा रहा आपका, मजा आया आपको या दिक्कतें हैं या परेशानी है? दिक्कत भी थी परेशानी भी थी, लेकिन अगर कुछ सीखना है तो सर परेशानी दिक्कत सब जगह। तो आप क्या सोच के इस लाइन में आगे जाके ट्रक लेंगे या परमानेंट सिर्फ ड्राइवर ही बने रहना है? देखिए सर ऊपर वाला क्या करता है। अच्छा नहीं, एक मर्जी तो होगी ना आपकी कि मुझे ट्रक लेना है या फिर? मर्जी तो है कि चला के ले लेंगे सर, लेकिन उतना इनकम आना चाहिए। अभी क्या सैलरी मिल जाती है आपको? अभी तो सर मिल जाती है 11,000 रुपए चक्कर मिलता है। 11,000 रुपए चक्कर? एक चक्कर कितने दिन में लग जाता है? एक चक्कर सर 8 दिन में लग जाता है, 10 दिन में लग जाता है। मतलब 30-40 हजार रुपए महीना पड़ता है आपको। और जैसे अपने साथ कमलेश भाई हैं, कमलेश भाई आपका क्या? बस यही रहना है। कमलेश भाई क्या आपके साथ क्लीनरी में है? जी। अच्छा, जैसे आपने कितने टाइम में सीख लिया था इसको चलाना? सर मैंने सीखा बहुत मेहनत करके सीखा, 3-4 साल फिर भी गवा दिया। अच्छा 3-4 साल लग गया आपको? हाँ। एक बारीकी पूरा समझने में इतना टाइम लग गया मतलब आपको? चलाने से नहीं होगा सर, काम भी आना चाहिए, खड़ी कहीं हो गई तो आदमी हर जगह मिस्त्री नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो अगर छोटा मोटा काम है तो अपन खुद करके इसको दुकान तक या जगह तक ले जा सकते हैं। ये आपने बहुत परफेक्ट बात कही कि सिर्फ चलाना नहीं आना चाहिए, ट्रक के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए ताकि जिस ट्रक को आप चला रहे हैं उसको आप संभाल भी सके। अच्छा, जैसे आपने सिर्फ टाटा चलाए या दूसरे ट्रक भी चलाए? सर कभी कभी लीलैंड भी चला लेते हैं। आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा लगा आपको? टाटा लगती है सर। टाटा बेस्ट है क्योंकि चलने में टाटा ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू लीलैंड के, है ना? क्या माइलेज निकाल के दे रहा है आपका 48-25 सी? ये 3 का दे रहा है सर, 3 का माइलेज देता है। इसकी जो सर्विस होती है वो कितने किलोमीटर पे होती है? कंपनी बोलती है 80,000 से 1,00,000 के बीच में इसका ऑयल चेंज करना चाहिए। 40,000 तो अभी इसका हो रहा है। 40,000 हो रहा है? नया ट्रक है ये बिल्कुल? जी नया। ये आपको अंदाजा है नया कितने का आता होगा रंजीत भाई? सर ये अंदाजा तो नहीं है आपका अंदाजा, मेरे ख्याल से अगर फाइनेंस करके लेने जाए तो 60-65 लाख का ये पड़ता ही होगा। गिरी से गिरी हालत में 5 लाख की इसकी बॉडी बनके तैयार होती है। टायर का क्या खर्चा होगा इसका? 50,000 रुपए का एक जोड़ा तो होगा इसका? हाँ, जितना महंगा ले सकते हैं आप सर। जितना महंगा ले सकते हैं। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं इसमें? अभी तो सीधी से आ रहे हैं। श्रीडी? सीधी। ये एमपी? एमपी। अच्छा एमपी में? प्रदेश। कितना किलोमीटर दूर से आ रहे हैं आप इसमें? सर अभी तो 900 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 900 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं? अरे मतलब 900 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं आप? ये राजगढ़ जिले में भोपाल के पास पड़ता है। तो क्या लेके आ रहे हैं आप? सर कोयला है। कोयला है? कोयला। अच्छा माइनिंग का जो काम होता है ना, खदान से लेके आ रहे होंगे आप? विभाग का जी। हाँ, तो क्या उसका भाड़ा वगैरह होता होगा 900 किलोमीटर का? सर भाड़ा तो सेठ तय किया वही जानेगा आप। अच्छा आपको भाड़े वगैरह का कोई आइडिया? एक आज की कंडीशन के हिसाब से ट्रकों का क्या भाड़ा कोई आइडिया है इसका आपको? सर वो तो ट्रांसपोर्ट वाले लगाते हैं सर। अच्छा जो माल वगैरह मिलता है वो आप सेठ को ढूंढ के देते हो? नहीं, नहीं, वो ट्रांसपोर्टर से खुद बात करते हैं सर। आपका हेडेक ज्यादा नहीं है, आपका ये है कि सिर्फ आपको ट्रक जगह तक पहुंचाना चलाना है। अगर अपन जैसे बात करें पूरे इंडिया चलाते हो आप ट्रक, पूरा भारत घूमते हो ऑल इंडिया परमिट से? ऑल इंडिया परमिट से तो सर जहां सेठ भेजेगा वहीं जाएंगे। हाँ मतलब फिर भी लगभग घूमते तो सभी जगह होंगे आप। तो आरटीओ बॉर्डर की परेशानी आती है आपको? आरटीओ बॉर्डर में भी परेशानी आती है। तो वहाँ पे ज्यादातर जैसे अपन बात करें तो पैसा अगर जैसे आरटीओ आपसे मांगता है या बॉर्डर पे जो पैसा लगता है तो आप सेठ की बात करवाते हैं या खुद से भी आपको जेब से देना पड़ जाता है? कभी जेब से ही देना पड़ता है सर, वो सेठ खर्चा देके भेजता है। हाँ, तो वहाँ पे जेब से पैसा लग जाता है आपके आरटीओ और बॉर्डर पे भी? तो वहाँ पे परेशानी क्या होती है मतलब कुछ आपको? परेशानी तो ऐसे कुछ नहीं है, पेपर पास कराना पड़ता है, कागज पास कराना पड़ता है। तो मतलब ये है कि जेब से भी आपका पैसा आपको देना पड़ जाता है वहाँ पे? खर्चा दे के भेजता है सेठ, उतना खर्चा ही देता है कि आदमी पहुँच जाए अड्डे तक। अच्छा, और उससे एक्स्ट्रा जो लगा वो आपकी जेब से लगेगा? एक्स्ट्रा लगेगा तो जेब से कॉपी में लिखेंगे, सेठ देगा फिर। अच्छा, जैसे मान लो जहाँ आरटीओ का 500 लगता है कभी आपसे 1,000 ले लिया गया तो वो फिर उसके लिए बात करा के देना पड़ता है? अच्छा जी, बात कराएंगे तो अगर आरटीओ नहीं माना तो देना पड़ेगा ना सर। मतलब ये आपके हिसाब से बताओ एकदम खुल के, आरटीओ की परेशानी है या नहीं? आरटीओ की परेशानी तो अब है, खड़े हो जाते हैं। पहले तो जबलपुर वाला खड़ा होता है, फिर रीवा वाला खड़ा होता है, वो सुबह से लेके शाम तक गाड़ी का समय टोरना। सही बात है, गाड़ी का तो। और बॉर्डर पे कहाँ दिक्कत आती है? बॉर्डर पे तो दो बॉर्डर पड़ते हैं, बिहार बॉर्डर एमपी बॉर्डर, ये दोनों खतरनाक बॉर्डर है, बहुत लोग बोलते हैं इन बॉर्डर का। यहाँ पे अवैध बस रीवा वाला तो ऐसा है कि अगर आपके पास 50 रुपए कम है तो नहीं छोड़ेगा। अच्छा जी, रीवा बॉर्डर मतलब पूरा पैसा चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए। ये तो बड़ी गलत बात है यार, दो तीन दिन गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं सर, क्या करिएगा? तो 3 दिन में आप ये बताओ, ड्राइवर भाई का भी नुकसान है और जो सेठ गाड़ी चलवा रहा है उसका भी नुकसान है। तो ये तो गलत बात है यार।
कमलेश भाई आपका कैसे मन हो गया ड्राइवर लाइन में आने का? अच्छा घूमने के तौर पे आए अभी आप, तो घूमने के तौर पे आए तो दिल लग गया आपका? बिल्कुल, घूमने भाग रहे अपनी चलाते। अच्छा रंजीत भाई एक छोटी सी अपन एक जिंदगी की बात करें, जैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? रीवा जिला के आप रहने वाले हैं, तो घर में आपके कौन कौन है? माता पिता भाई बहन सभी हैं सर। सभी हैं, तो आप जैसे ट्रक लाइन में आए तो आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि फैमिली से काफी ज्यादा टाइम दूर रहना पड़ता है इसमें। आप कोई भी धंधा करो, बिजनेस करो या जॉब करो, तो वहाँ एक फैमिली से टच रहता है इंसान का, लेकिन इसमें कोई भरोसा नहीं है, कभी 2 महीने भी, कभी 6 महीने, कभी 1 महीने भी, कभी 15 दिन भी, कुछ भी लग सकता है। तो वो एक आपको लगता है कि यार परिवार से दूर है यार, क्या करेंगे सर, पैसा कमाना है तो दूर रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कमलेश भाई देखो अभी आप नए नए आए हो, तो ये चीज तो है इसमें कि आपको फैमिली थोड़ी त्यागना पड़ेगी इसमें, है? क्योंकि जैसे एक पुलिस का और आर्मी का काम होता है ना कि त्योहार व्यवहार भी आया तो जा पाए या नहीं जा पाए, वही एक ट्रक ड्राइवर की भी लाइन है कि जरूरी नहीं कि आप त्योहार पे भी घर जा पाओ, नहीं जा पाते, या कोई घर में खुशी हो तो भी आप जा पाओ। तो थोड़ा सा एक क्या रहता है, स्ट्रगल वाली लाइफ तो रहती है अपने ट्रक ड्राइवर भाइयों की, जितने भी हैं। अभी आप कम उम्र के हैं, नए नए आए हैं, तो आपको कैसा लगा, ट्रक में कमाई लगी या नहीं लगी आपको? ड्राइवर की भी और मोटर मालिक की, दोनों की बताइएगा आपके तजुर्बे के हिसाब से, 3-4 साल का जो तजुर्बा है। अभी तो सब ठीक ही है सर, डीजल महंगा होने के कारण सभी को घाटा नुकसान है। घाटा नुकसान सभी है, मतलब अभी 50-50 मामला चल रहा है। हम लोग 200, पहले आदमी 800 किलोमीटर खाली आ जाता था, 400-500 किलोमीटर तो दिक्कत नहीं थी, अब तो 200-250 किलोमीटर खाली गाड़ी चलाने में भी कष्ट होता है। हाँ ये बात है, क्योंकि इसलिए कष्ट होता है क्योंकि डीजल महंगा है, 100 रुपए लीटर हो गया, अगर आदमी 3 किलोमीटर भी जाए तो 100 रुपए का नुकसान ही होता है। सही बात है, पहले आदमी चला जाता था 50-55-56 रुपए था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी ये दिक्कत है कि इंसान को खाली जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मतलब ये है कि आपके जैसे एक बात बताऊं मैं आपको, आपने आप जैसे राइसन कहाँ के बताया आपने? रीवा जिले के। तो आजकल जो ये 6 टायर ट्रक आते हैं वो छोटे छोटे फाइनेंस पे उड़ जाते हैं, जैसे कुछ तो 0% पे उड़ जाते हैं, कुछ 1.5 लाख पे उड़ जाते हैं, मॉडल के हिसाब से। हाँ, उनके बारे में क्या कहना, वो मतलब लेके चला सकते थे आप? लेके सर पैसा नहीं है अपने पास। अरे उसमें खाली 1.25 लाख रुपए लगता है, अगर तजुर्बा हो तो आप चला सकते हो। एक जैसे महिंद्रा का अगर उठाओगे आप ट्रक, महिंद्रा का तो 0% फाइनेंस पे उठ रहा है, मतलब आपको 1 रुपया नहीं देना सर। उठाने के लिए तो अपन उठा ले सकते हैं, लेकिन उसको चलाना भी है, फिर किस्त भरना है, जो नुकसान होगी वो भी भरना है, इतना इनकम अगर अपने पास हो तो ही उठाना है। बैकअप नहीं है अपने पास, बिल्कुल यही बात मैं सुनना चाह रहा था। अभी 0 है बैंक में, है ना, तो अगर 2-4 लाख होता तो आदमी रिस्क ले लेता। सही बात, अभी अपने पास 1 रुपया नहीं है इसलिए कोई रिस्क नहीं है, और दिमाग में कुछ सोचे भी नहीं कि लेंगे, जब बन जाएगा 2-4 लाख रुपए तो सोचेंगे कि कुछ कर ले। बिल्कुल सही बात है, एकदम एग्जैक्ट बात कही आपने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत भाई, हमारे बहुत अच्छी जानकारी दी रंजीत भाई ने हमारे, और ये हमारे कमलेश भाई हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आपको इनका ट्रक भी दिखा दिया, हम नीचे उतर जाते हैं क्योंकि रंजीत भाई एसी नहीं आता ना इसमें, है ना सर, ये नहीं, फैन तो आता, फैन तो गर्मी में गर्म हवा ही देगा। एसी नहीं है इसमें, BS6 ट्रक है और कैमरा भी नहीं है, ये 2 चीज की कमी है, अगर वो दे देते तो काफी अच्छा होता, कि आप देखेंगे तो कुछ है नहीं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कैमरा लग जाता जो पीछे दिखाता रहता तो उसमें ड्राइवर भाइयों की और आसानी हो जाती लगता है, लेकिन कमलेश भाई लगता है अपने से लगवाना पड़ता है। हाँ प्राइवेट लगता है, वो कंपनी खुद नहीं देती, उसमें इतना खर्चा नहीं है भाई, जब रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रखे हैं आपने तो कैमरा दे सकते थे, वो नहीं दिया क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फायदा हो जाता है ड्राइवर भाई का, क्योंकि पीछे दिख जाता है इंसान को। अब मान लो भाई इमरजेंसी में कोई ब्रेक आपको लगाना पड़ गया तो आपको नहीं पता कौन पीछे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ नहीं पता पीछे का, सिर्फ साइड में ही दिखेगा, साइड में ही दिखेगा, पीछे का कुछ भी आइडिया नहीं रहता है, तो उसमें जब ऐसे कंडीशन में एक्सीडेंट होते भी है तो उसमें ड्राइवर भाई की गलती नहीं मान सकते अपन, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक के पीछे कैसे दिखेगा। तो ये चीज है भाई, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। मैं थोड़ा उतरता हूँ, ट्रक भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया, और एक काम करता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, पसीने में तंग हो चुका हूँ, कमलेश भाई से अब मैं कार चलवाऊंगा और एक एक्सपीरियंस जानेंगे ट्रक और कार के डिफरेंस में। एक भाई की डिमांड भी थी, वो भी हम पूरी कर देते हैं इस वीडियो के द्वारा, बाकी तो पूरा वीडियो मैंने आपको बात करके बता दिया। तो गाइस ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो हमारे रंजीत भाई के साथ। तो गाइस होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सेमी ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्या है कि भूत बन जाते हैं भाई वीडियो बनाते बनाते, क्या गर्मी वर्मी सभी आ रही है, फिर वीडियो बनाते हैं तो एकदम मैं खो जाता हूँ पूरा वीडियो में, फिर हालत पर ध्यान नहीं दे पाते। तो भाई ये था वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।